क्लास 9, सब्जेक्ट इज सोशल साइंस। एंड ये वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आधा रह गया था पार्ट 1 में, वो हम आज इसे कंप्लीट करेंगे। बराबर, तो हम पहुंचे थे एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वेर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम। तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने 1773 में एक एक्ट बाहर निकाला, मतलब वो था रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके मुताबिक क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे ही गवर्नर जनरल बनाया गया, एंड सारी जो ट्रेड व्यापार की जो एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, वो सारी उनके अंडर कंट्रोल रखी गई। और उसके अलावा मुंबई मद्रास के जो गवर्नर थे और उनकी पूरी काउंसिल को भी उनके अंडर कंट्रोल रखा गया। Thus, Warren Hastings became the first Governor General of India. During his tenure, the first Maratha War and the second Mysore War with Hyder Ali of Mysore was waged. The problems for the East India Company increased because it had to face both the power simultaneously. वॉरेन हेस्टिंग जो है वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। बराबर, और उनके टाइम पे फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था, एंड मैसूर में जो हैदर अली था उस टाइम पर सेकंड मैसूर वॉर हुआ था। बराबर, और इन सब वॉर की वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे। कॉर्नवॉलिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ कॉर्नवॉलिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। The company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu could not win against the combined forces and had to accept the treaty. तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो कॉर्नवॉलिस वो गवर्नर जनरल बना, एंड उसके टाइम पर क्या हुआ, थर्ड मैसूर वॉर हुआ था। बराबर, टीपू सुल्तान के साथ, जो कि वो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से फेमस थे। और कंपनी ने क्या किया कि मराठा जो थे एंड निज़ाम, उन दोनों के साथ हाथ मिला लिए टीपू सुल्तान को हराने के लिए। और फिर ये तीनों ने मिलकर जब युद्ध किया तो टीपू सुल्तान हार गया। बराबर, और उनको जो संधि इंग्लिश गवर्नमेंट ने करी थी वो उनको स्वीकार करनी पड़ी। After Cornwallis, Sir John Soar became the Governor General. Due to some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and Marathas became stronger. So Governor General Wellesley, who came after John Soar, got the responsibility of making the company supreme in India. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system. The conditions of the system and the state adopted under this are as follows. कॉर्नवॉलिस के बाद सर जॉन शॉर गवर्नर जनरल बने, पर उनकी रिजिड पॉलिसी की वजह से उनको भी हटा दिया। बराबर, क्योंकि उनके टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत कम हो गई थी और मराठा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए थे। तो फिर उनके बाद वेलेस्ली आए, तो वेलेस्ली को गवर्नर जनरल बनाया गया। और उन्होंने क्या किया, एक नई सिस्टम वो लाए, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, पर उसमें कुछ कंडीशंस थी। बराबर, तो वो कंडीशन ये नीचे हमें बॉक्स में दे दी गई है, वो हमें अब देखनी है। फर्स्ट क्या है, द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। बराबर, कि जो भी स्टेट है ये सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करता है, उनको एक आर्मी दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी से। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे द प्रोविंस विथ इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। तो आर्मी जो वो लोग देंगे उसके सामने क्या करना पड़ेगा, तो वो स्टेट को आर्मी के लिए खर्चा जो होता है वो खर्चा देना पड़ेगा, और अगर खर्चा नहीं देते हैं तो उतनी इनकम का कोई एक प्रदेश, मतलब प्रोविंस, मतलब कोई छोटा सा प्रदेश ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट्स। मतलब कि कंपनी की परमिशन के बिना, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना, वो स्टेट जो है कोई भी दूसरे स्टेट के साथ वॉर नहीं कर सकता, या तो फिर कोई ट्रीटी संधि भी साइन नहीं कर सकता। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। मतलब कि सारे जो स्टेट है जो ये योजना को एक्सेप्ट करते हैं उनके राज्य में एक इंग्लिश का जो ब्रिटिशर्स का मैन एक होना ही चाहिए। एंड लास्ट है, अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट।
मतलब कि कोई दूसरे फॉरेनर से पोर्टुगीज, डच, डेनिस, ये सारी प्रजा को जॉब नहीं देनी है वो स्टेट में, बराबर। और ऐसे कौन से स्टेट थे जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करा था? तो फर्स्ट है निज़ाम, फिर मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले एंड होलकर, बराबर। दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। बाई इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम वेलेसली एनेक्सेड मैनी प्रोविंसेस एंड एक्सपेंडेड द रूल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर जनरल वेलेसली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज्ड। फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी विद द सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम अटैक्ड मैसूर इन 1799। ड्यूरिंग हीज फोर्थ मैसूर वॉर टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अटैक अगेंस्ट द ब्रिटिश, बराबर। तो ये सिस्टम जो थी स्वीट पॉइजन, मतलब मीठा जहर, कि ये आप एक्सेप्ट भी करो और सामने वो लोग आपका या तो फिर प्रदेश दे ले लेंगे या तो फिर आपकी इनकम आदि ले लेंगे, बराबर। तो वेलेसली ने क्या किया कि जो ये रूल थे अलग अलग, ये तो कोई ऐसे राजाओं को फोर्स किया कि आप ये सिस्टम ले लो, बराबर। पर टीपू सुल्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से फिर कंपनी ने अटैक किया मैसूर पर 1799 में। और इस फोर्थ मैसूर वॉर में टीपू है वो हार गया और वहाँ पे वो उसकी डेथ हो गई, बराबर। आफ्टर वेलेसली हेस्टिंग्स केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल ही वेग्ड अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू जॉइन द आर्मी। हेस्टिंग्स फॉट अ बैटल विद द पिंडारास एंड टूक कंट्रोल ओवर देम। विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टाब्लिश्ड। वेलेसली के बाद हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना और उसने नेपाल के साथ युद्ध किया और गुरखाओं को अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लिया, बराबर। उसके बाद उसने पिंडारा के साथ युद्ध किया एंड पूरा उनका जो कंट्रोल था वो अपने पास ले लिया। और थर्ड मराठा वॉर में कंपनी ने पूरा पावर वहाँ पे स्थापित कर दिया था, बराबर। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नमेंट जनरल्स विलियम बेंटिक इज नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। बेंटिक बिलीव्ड दैट द डिससेटिस्फेक्शन इन डिफरेंट स्टेट ड्यू टू दिस इम्पेरलिस्ट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नर जनरल्स कुड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी यूनिटी, सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डेट्स। डेलहाउसी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। ही वॉज अ फियर्स इम्पेरलिस्ट। डेलहाउसी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी एंड ब्रिटिश इम्पेरलिज्म इन इंडिया। और बाकी सब जो गवर्नर जनरल थे उसके मुताबिक ये विलियम बेंटिंक जो था वो उदारवादी जनरल था, बराबर। वो ऐसा मानता था कि ये सारे पहले जो गवर्नर जनरल आए हैं उनकी वजह से ये पूरे स्टेट्स में जो डिसेटिस्फेक्शन हुआ है, बराबर, तो उनको अब सुधारने के लिए सब में पहले यूनिटी होनी ज़रूरी है। तो वो इसीलिए हम ऐसा माना जाता है कि वो लिबरल था। और डेलहाउसी जो है इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था 1848 में, और वो साम्राज्यवादी था और वो भी एक पॉलिसी लाया था, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो वो हमें देखनी है, फर्स्ट क्या है, एनेक्सेशन बाय वॉर, बराबर। तो वो पंजाब एंड पे, मतलब कि युद्ध, कोई भी आप युद्ध करो और युद्ध के फिर जीतने के बाद वो भी जो स्टेट है उनको अपने कब्जे में ले लो। सेकंड क्या है, एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, बराबर। मतलब कि कोई ऐसा जो किंग हो जिसका पुत्र ना हो, तो वो अगर मर जाता है तो उसके बाद में जो वो स्टेट है वो भी इंग्लैंड वाले जो ब्रिटिशर्स है वो ले लेंगे। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट थे, तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बगात एंड नागपुर। थर्ड है एनेक्सेशन ऑन प्रीटेस्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, मतलब कि वो ऐसा बहाना निकालते थे कि इनका जो ये स्टेट का वहीवट जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब ये वो गैर नीति अपना रहे, बराबर। तो ऐसा बहाना निकाल के वो स्टेट अपने कब्जे में कर लेते थे। तो वो एक स्टेट था अवध। फिर है एनेक्सेशन ऑन प्रीटेस्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन, मतलब कि वो डेप्ट लेते थे, तो इनका वो कोई भी टैक्स हो ना वो उसका कलेक्शन करते थे, और अगर वो ना कर पाए तो उनको फिर अपने पास, मतलब अपने कब्जे में कर लेते थे। वो एक था निज़ाम का जो स्टेट था वो। और लास्ट है एनेक्सेशन टू एंड अ नेमसेक रूल, मतलब कि नाम मात्र की उनकी सत्ता है ऐसा बोल के उनका अंत कर देते थे और फिर अपने कब्जे में ले लेते। ऐसा है कर्नाटका एंड तंजौर।
Besides being an imperialist, Dalhousie was also a reformist. The first railway line in India between Mumbai Thane 1853 AD, wireless system between India and England, establishment of public work department, English education, etc. were all introduced during his tenure. He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriage. Within 100 years, from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded. But in the process, they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857 AD. Dalhousie साम्राज्यवादी तो था ही, पर उसके साथ साथ वो रिफॉर्मिस्ट भी था, बराबर। मतलब उसने बहुत सारे सुधारे किए थे। फर्स्ट तो जो फर्स्ट रेलवे मुंबई एंड थाने के बीच जो शुरू की वो भी डेलहाउसी ने की थी 1853 में। एंड उसके अलावा वायरलेस सिस्टम इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच, और फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना करी, इंग्लिश एजुकेशन एंड चाइल्ड मैरिज जो होते थे उस टाइम पे उस पर बैन लगवाया, बराबर। एंड विडो जो विधवा होती है उनके रीमैरिज के लिए भी उसने ये सब लॉज जो कानून है वो उसने पास किए। और 100 ईयर्स में, मतलब कि 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहाँ से लेके 1857 में, बहुत जो ब्रिटिश रूल ने अपना जो एम्पायर है, अपना जो राज्य विस्तार है वो बहुत विस्तृत किया था। और हमें इंडियन स्टेट जो है, सारे अलग अलग स्टेट है, उनको बहुत डिसटिस्फैक्शन भी मिला था, बराबर। और फिर लास्ट में फाइनल 1857 में एक स्ट्रगल हुई, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए एक स्वातंत्र संग्राम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। When we evaluate the 100 years of the company rule in India, we realize that India, which had an inviolable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in the factories. Bengal exported cotton cloth, raw silk, sugar, jute, muslin 1708 to 1756, but after that dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. The dual power policy, Dvimukhi Shasan, was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British while the responsibility of the people's welfare was with the Nawab. Thus, the British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power. This was known as the subsidiary alliance system, which ruined Bengal economically. तो 100 years पहले, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब इंडिया की पोजीशन पूरी अलग अलग जो देश है उसमें बहुत अच्छी थी। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों की हम निकास करते थे, इंग्लैंड में भी हम भेजते थे। बंगाल है जो कॉटन क्लोथ, रो सिल्क, सुगर, जूट, मुस्लिन, ये सब की वो निकास करता था 1708 से लेके 1756 तक, बराबर। पर जब से ड्यूअल पावर पॉलिसी आई है, द्विमुखी शासन पद्धति, मतलब कि इंडिया में जो है गवर्नमेंट उसके भी शासन चल रहा है एंड जो बाहर से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भी शासन चालू कर दिया था, बराबर। तो उनकी वजह से ये सब बंद हो गया, और फिर हमारे जो लोग पहले खुद बनाते थे और खुद ही बाहर भेजते थे उनको ब्रिटिशर्स के हाथ के नीचे काम करना पड़ा, बराबर। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीसेंट अडेप्टर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज। दे अडॉप्टेड वेरियस डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस टू रुइन द प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ विच इट कंप्लीटली कोलैप्स्ड। द इंडियन आर्टिसन बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स्ड द वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग डिफाइनेट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इन अ शॉर्ट पीरियड। इफ़ द वेवर रिफ्यूज्ड ही वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लेस्ट और जेल्ड। तो अनफेयर जो पॉलिसी थी, बराबर, मतलब कि वो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे टैक्स वो हमारे फार्मर्स के पास से, इसकी वजह से वो देवा में डूब गए, बराबर। उसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस लगा दी थी, जकात लगा दी थी, उसकी वजह से कुछ जो धंधे थे, कुछ इंडियन इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, और फिर इसकी वजह से जो इंडियन आर्टिसन है वो पुअर हो गए, अनएम्प्लॉयड मतलब कि बेरोजगार बन गए।
जो वीवर थे, जो कंपनी में काम करते थे, उनको क्या करते थे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि कोई शॉर्ट पीरियड में उनको इतना कपड़ा बना के दे देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर वो मना करते साइन करने के लिए या फिर काम करने के लिए, वो लोग मना करते तो उनको मारते या तो फिर जेल में डाल देते। बराबर, बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन villages were self-reliant and prosperous, but under the company rule they become dependent and poor। मतलब कि जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर नहीं आई थी, तब तक इंडियन villages जो गांव में सारे जो फार्मर्स थे वो prosperous मतलब समृद्ध थे, वो अपने मुताबिक काम करते थे, पर उनके आने के बाद ये सब गरीब बन गए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज स्टार्टेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स इन मुंबई मद्रास एंड कोलकाता ऑल्सो टुक प्लेस। तो इसके ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से मुंबई एंड थाने में फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो चालू हुई, और इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच में जो स्टीमर सर्विस सी रूट से जो होती थी वो चालू हुई। बराबर, एंड उसके अलावा जो पोर्ट का डेवलपमेंट, जो बंदर होते हैं उनका डेवलपमेंट हुआ मुंबई मद्रास जो चेन्नई में है वो, एंड कोलकाता में डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन द इंडियन सोसाइटी। सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स राइट्स एंड रिचुअल्स वेर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एट्सेट्रा। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बहरामजी मलबारी एट्सेट्रा वर द स्टॉलवर्ट्स हुज रोल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द लॉज पास्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंग्लिसाइज्ड, देर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विद नॉलेज ऑफ इंग्लैंड इंग्लिश। इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू लॉर्ड मॉकलीज एंडेवर्स। एज रिकमांडेड बाई चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई मद्रास एंड कोलकाता। अ होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस ग्रुप मेड डिमांड्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड गेव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। और ब्रिटिशर के इस टाइम पर सोशल इम्पैक्ट मतलब सामाजिक असर ये हुई कि सबको स्वतंत्रता का हक मिला, सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। बराबर, उसी टाइम पर न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा जो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो रॉन्ग सोशल कस्टम्स थे, जो जाति प्रथा थी, राइट्स एंड रिचुअल्स होते थे, बराबर, लाइक सती प्रथा मतलब क्या होता है कि अगर कोई वाइफ का हस्बैंड अगर मर जाता है तो वो उसकी वाइफ को उसी की चिता पे जला के मार डालते थे। उसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कि कोई अगर बच्ची का जन्म होता है तो उनको तुरंत गर्म दूध में डाल के फिर उसको मार डालते थे। उसके अलावा चाइल्ड मैरिज मतलब जब बच्चे छोटे हो तभी उनकी शादियाँ करवा देते थे। तो ये सारा बंद करवाया गया। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता एंड बहरामजी मलबारी ने इन सबको बंद करने में बहुत सारी हेल्प करी थी। बराबर, उसके अलावा क्या हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन चालू हो गया। किसकी वजह से? लॉर्ड मैकोलो की वजह से इंग्लिश एजुकेशन चालू हुआ। उसकी वजह से हमारे जो लोग थे इंडिया के, उनमें इंग्लिश का नॉलेज बढ़ता गया। बराबर, फिर चार्ल्स वुड, तो उनकी मदद से क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी मुंबई मद्रास एंड कोलकाता में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो हम ये मानते हैं कि चलो उन्होंने भले ही गलत काम किया, पर उनके साथ साथ सबको अच्छा नॉलेज भी मिला है और हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो किया है। लास्ट है कंक्लूजन। थस द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया बिगेन एल्यूरेड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड सर्टेन गुड एंड बेड रिजल्ट इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India।
तो लास्ट में यही कही चैप्टर में यही हमें सीखने को मिला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में क्यों आई, तो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी मतलब हमारी जो समृद्धि थी, व्यापार करने की जो तक यहाँ पर थी, उनको देख के वो लोग यहाँ पे आए और फिर उनकी वजह से हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड में बैड रिजल्ट मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हम सबको दाव पे लगा दिया था बराबर। एंड तो फाइनली हम ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर कोई पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, आर्थिक हो या सोशल हो बराबर, सारे में उन्होंने अपना ही फ़ायदा देखा और इंग्लैंड को समृद्ध बनाया और इंडिया को खाली कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।